वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इनमें प्रावधान बनाए गए हैं, किन किन देशों से लिया गया है या किन किन देशों से प्रेरित है। तो आज पॉलिटिकल जो ये मुख्य भाग है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा देश है, अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? भावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा है मूल अधिकार, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। मिला है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, ये भी हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। उसके बाद है जनहित याचिका, ये भी अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली भी हमने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे जो है हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या कर लिया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। हमारे देश में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। अगला है द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से जो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज लिया है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जहाँ में काफी बार पूछे जाते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 368 में, वही है। कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला देश है कनाडा। कनाडा से हमने क्या कह लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सारे हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से। अगला जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या कह लिया? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची, जो हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। उसमें जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दूसरा है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अगला देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड से जो हमने महत्वपूर्ण चीज लिया वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह सब हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस से हमने किन किन व्यवस्था को लिया है? पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये दोनों चीज हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। अगला जो देश है वो है रूस। रूस से हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? तो रूस के संविधान से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये भी हमने कहाँ से लिया? रूस के संविधान से। अगला जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी से जो हमने लिए हैं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो आपातकाल में हमारे मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से। अगला जो देश है वो है जापान। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? तो जापान के संविधान से। तो आज की वीडियो में हमने संविधान के स्रोत जाने, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और भाग के बारे में जानेंगे। चैनल पर बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए।